दर्जी सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन कहाँ से? हाँ दर्जी, मैं चंद्रपाल सिंह बोल रहा हूँ सर, कोरबा जिला से, छत्तीसगढ़ से सर। जी बताइए। आदरणीय, हमारे यहाँ पे समस्या है, हम लोग को तो शादी को 4 साल हो गया है, और तारीख बताइए, जन्म तारीख बताइए। हाँ सर, मेरी जन्म तारीख तो मेरे को कंफर्म नहीं है सर, मिसेज की जन्म तारीख कंफर्म है, 1 नवंबर 1992 रात को 1:10 पे। क्या नाम है? नेहा सिंह सर। 1 नवंबर 1992 रात्रि 1:10 1:10 जी 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 आरम्भ। कहाँ का जन्म है? सर ये छतरीपुर, मिर्जापुर, छतरीपुर करके जगह है सर उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर जिले में। क्या नाम बहू का? महोदय नेहा सिंह। नेहा सिंह। अब नेहा की कुंडली को पहले जांचते हैं सही है कि गलत। जी बिल्कुल। क्या ये बात सही है कि इनकी कमर में तकलीफ बनी रहती है, सही है कि गलत? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता ज्यादा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि अभी 92 का जन्म है, लेकिन कमर में इनको उल्टे तरफ, बाएं तरफ बैक पेन होना चाहिए, इनकी कुंडली बताती। हाँ जी जी जी, बीच में पथरी हुई थी उस समय, तो एक बार उनको बहुत भयंकर दर्द हुआ था कमर में और पेट में। दूसरी बात, इनकी कुंडली ये बताती है कि इनके खाना खाने का, भोजन करने का ढंग सही नहीं। आपने देखा होगा कि भोजन ये जल्दी जल्दी कर लेती, बाकी काम भले आराम से करेंगे, सही है कि गलत? जी जी आदरणीय, भोजन करने में उतना ध्यान नहीं रहता, काम बस उसको बहुत ज्यादा करना होता है घर पे, उसी में पूरा फोकस करता है। इनकी कुंडली बताती है कि 2018 से 2020 तक का समय इनके लिए शारीरिक मानसिक रूप से तनाव भरा था, सही है कि गलत? जी 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 गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हुआ ये बचने, ये समय इनका सबसे खराब समय था। जी जी, बीच में इनको मतलब बहुत ही तकलीफ, कोई हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, मतलब बहुत सारी तकलीफें हुई थी 2018 से 2020 के बीच। इनकी कुंडली बताती है कि नमक और नमकीन वस्तुएं ज्यादा पसंद करती हैं, सही है कि गलत? जी आदरणीय, जी जी। इनको नींद बहुत आती है दिन में, सही है कि गलत? जी 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 गुरुदेव। और इनको सुस्ती सुस्ती लगती रहती है, सही है कि गलत? गुरुदेव ऐसा तो नहीं है, सुस्ती देता तो नहीं रहता, अब मतलब थोड़ा मोड़ा तो अब काम बहुत ज्यादा करती है घर पे, तो थोड़ा सुस्ती तो रहती है। चलिए कोई बात नहीं। जैसे आप कह रहे हैं वो अचेता अवस्था, मतलब बहुत सोती है तो बहुत ही ज्यादा फिर। हाँ, ठीक, कुंडली सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव, ये जानना चाहता सर, हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग को 4 साल हो गया विवाह को, और इनको ऐसे ना महीने भी बहुत शुरू से बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, तो हम लोग ने 4-5 मतलब बहुत जगहों पे दिखाया, फाइनली IVF के लिए भी गए, तो उसके बाद भी मतलब मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रही, सफलता नहीं मिल पा रही है गुरुदेव, और हम लोग मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि कहीं, मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पंडित जी से, गुरुदेव से बात कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने कभी ऐसा किसी से बात भी नहीं की थी कभी। महेंद्र काऊ जी से हमारी बात हुई तो उन्हें उसके बारे में बताया गुरुदेव, तो मैं बोला कि मैं जरूर एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं डॉक्टर उनसे बात करूंगा आपसे। जी गुरुदेव, देखिए सही बात ये है कि आपके मकान पर किसी पेड़ की छांव आती है, अब ये यहाँ हो या इनके मायके में हो? जी मायके में तो नहीं है गुरुदेव, मगर यहाँ घर के सामने में, हमारे ही घर के सामने में, हाँ मतलब जो ऐसा पाम ट्री जैसा है पौधा, उनकी छांव होती है मकान में। एक्चुअल मामला कुछ और है, इनके साथ क्या होगा, एक तो या तो कंसीव भी नहीं होगा जी, और कंसीव होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने मुश्किल टिक जाए बच्चा, गर्भपात हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं गुरुदेव, आज तक कंसीव ही नहीं हो पाया है। अब इसका तरीका हम सब बता दे रहे हैं आपको। इनको कहिए कि गुरुवार के दिन से शुरू करें और रोजाना हल्दी के पानी से स्नान करना शुरू कर दें, और भगवान भोलेनाथ को आधा जल आधा दूध मिलाकर स्टील के लोटे में ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें, लेकिन तांबे में कभी भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दारू के जैसा पाप लगता है। जी
जी, तो ये इनको करना है, तो ऐसा करने से इनको संतान का सुख हो सकता है, इनको करना चाहिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ बाधाएं हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आपके घर में जी बिल्कुल जहाँ पर आप बना बनाया भोजन रखते हैं जी बिल्कुल वो आपकी जगह गलत है। जी बिल्कुल। तो क्या दरवाजे के आसपास ही आपकी रसोई या भोजन की व्यवस्था है? हाँ जी जी बिल्कुल, दरवाजा खुलता है और सीधे किचन शुरू हो जाता है। हाँ, दरवाजा खुलता है सीधे हाथ तरफ। हाँ जी 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 जी। हाँ, तो ये कुंडली तो बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से जो भोजन आप यहाँ पर रखते हैं जी बिल्कुल यह गलत है। जी 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 जी। या तो यहाँ से बनाए और इसको पके हुए भोजन को कहीं दूसरी जगह रख दे। जी जी बिल्कुल। एक्चुअल में हम जो समझ पा रहे हैं, हमारा जो कैलकुलेशन कहता है, उसको क्लियर करना चाहते हैं। जी जी। भोजन के कारण कोई दोष उत्पन्न हो रहा है। जी जी बिल्कुल। अब ये देखिए, हम आपसे पूछते हैं जी, ये लड़की फलों में केला पसंद करती है क्या, चावल पसंद है? हाँ जी जी, चावल पसंद है। आलू पसंद है? जी जी जी। शुद्ध घी पसंद है? जी बिल्कुल। देखने में लाइट कलर, क्रीम कलर, ऑफ व्हाइट कलर पसंद है? हाँ जी जी जी। इनका हेल्थ कैसी है, इनकी सेहत कैसी है, मोटी है क्या? नहीं बिल्कुल, मतलब ठीक है ना, मोटी है ना, सामान्य ठीक है जी। अब इनके खान पान में कुछ गड़बड़ी हो रही है। जी जी बिल्कुल, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जी जी जी। तो पहली बात तो यहाँ पर भोजन रखना बंद कर दीजिए, जहाँ आपका भोजन बनता है, जहाँ भी रखा जाता है। जी जी जी। यहाँ पर जो भोजन रखने की व्यवस्था है जी बिल्कुल यहाँ पर। अब दूसरी बात यह है कि क्या आपकी रसोई में जो डब्बे हैं, रसोई में जो डिब्बे होते हैं जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं, जी 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 बिल्कुल, रसोई में डब्बे हैं या कनस्तर हैं, इनके ऊपर क्या पीपल के पत्ते की डिजाइन बनी है क्या, जो पीपल का पत्ता होता है? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं, इतने जल्दी नहीं मत बोलिए, आप पहले सोचिए क्योंकि हमको नहीं, नहीं, मैं निश्चिंत हूँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर कोई बाधा है तो उसका निराकरण होना अनिवार्य है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं एक बार और चेक करूंगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि आपके रसोई में जी जहाँ आपका भोजन रखा जाता है जी जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ तरंगों का संबंध जरूर है, वो गलत है। जो रेस होती है तरंग में जी 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 जी। अब यहाँ रसोई में तरंगे किस चीज की हो सकती, या तो मोबाइल यहाँ रखा रहता हो। हाँ हाँ जी जी, वो लोग मोबाइल देखते रहते हैं किचन में। हाँ, या तो मोबाइल रखा रहता हो या रेडियो एफएम रखा रहता हो। जी जी जी, कुछ मोबाइल भी रहता है ऐसा, या यहाँ पर टेलीविजन लग, कुछ ना कुछ यहाँ पर रसोई में ऐसी गड़बड़ जहाँ पर भोजन रखा रहता है। जी जी, यहाँ पर तरंगों का आवागमन है जो कि घातक है। आप कहेंगे तरंगों से गर्भ का क्या संबंध, वो आप छोड़ दो, ये तो हमारी ज्योतिष है। जी 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 जी, आप उसको हटा दो, बात खत्म। जी जी, पहली बात भोजन जहाँ रख रहे हैं यहाँ से भोजन हटाना है आपको। जी जी, दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ पर आपके भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पर तरंगों का जो आवागमन है। जी जी जी, तरंगे तो पूरी दुनिया में चल रही है, कोई रोक नहीं सकता। जी जी, वो तो अच्छा है कि आप पढ़े लिखे, हमारे आपके कान उसको कैद नहीं करते, नहीं तो पागल हो जाते सारी एफएम अगर आपके कान में एक साथ चलने लगे तो क्या करोगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सैकड़ों चैनल चल रहे, लेकिन जब ट्यून किया जाता है तभी वो चालू होता है। जी जी जी, उसको जैसे जैसे आप और हम कार में चल रहे, कमरे में बैठे समय बात कर रहे हैं, बंद कमरा है, एसी रूम है, लेकिन उसके बाद हमारा फोन बराबर सिग्नल पकड़ रहा, बात हो रही है आपकी हमारी। जी जी जी, तो तरंगों को पकड़ने की क्षमता हो जाए तो तरंगों को पकड़ा जा सकता, तरंगे सब जगह, हम ये नहीं कह रहे कि तरंगों को आप रोक सकते, लेकिन आपके रसोई में तरंगों को कैच करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको आपको वहां से हटाना है, या आपके पत्नी के लिए, आपके संतान सुख के लिए बाधक है। दूसरी बात, अगर पीपल के पत्ते की डिजाइन अगर किसी किसी
डब्बे में, किसी कनस्तर में, किसी चीज में है जी, जी, जी। तो उस प्रिंट को, उस डिजाइन को वहां से हटाना है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। और भोजन की व्यवस्था थोड़ा हटा दीजिए, बाकी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जी, 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 जी। मैं नित्य तौर पे आपके और हल्दी के दल से स्नान करने लगे, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में दूध और जल मिलाकर स्टील के पात्र में चढ़ाए तो संतान हो जाए। जरूर जरूर बिल्कुल निश्चित कर। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? अरे भगवान की कृपा, महेंद्र हमारा बड़ा प्रिय शिष्य है। चलिए, आप इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला। धन्यवाद, भगवान शुक्रिया।